एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिक ऑन रियलिटी। मैं हूं आपकी होस्ट जॉली यादव और मेरे साथ हैं भरत जी। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़, एंड आज हम आपको लेकर आए हैं रेवाड़ी की लोकेशन पर। तो जैसे कि जॉली ने बताया कि हम रेवाड़ी की लोकेशन पर आ जाए हैं, मनचंदा एंड मनचंदा सोसाइटी के अंदर। और आपको यहाँ पे 80% जो एरिया है ग्रीन एरिया मिलेगा, और जो फ्लैट के जो लेआउट्स हैं वो सारा स्क्वायर के अंदर है, और सेंट्रल के अंदर सारा पार्क है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। और अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर पे NH8 है, जो कि जयपुर और दिल्ली हाईवे को कनेक्ट करता है। और आसपास काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं, और काफ़ी डेवलपिंग भी एरिया हो चुका है यहाँ पे। गुड़गांव से भी काफ़ी बिल्डर्स भी आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं। आइए हम इसका टूर करते हैं। सर्वेंट अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, जिसका साइज है 1960 स्क्वायर फीट, 1960 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। एंड ये रहेगी इसकी लॉबी एरिया। एक फ्लोर पर आपके 4 अपार्टमेंट रहेंगे, 2 लिफ्ट के साथ, एंड हमारे अपार्टमेंट की एंट्रेंस रहेगी ये। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। एंड गाइज, हम अपार्टमेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप एंटर होते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फॉयर स्पेस मिल जाता है। लेट मी टेल यू, ये आपका फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेगा, यानी कि आपको सारे मूवेबल आइटम्स के साथ ये अपार्टमेंट दिया जाएगा। रीसेल प्रॉपर्टी है, एंड सारा फर्नीचर भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। फाइनल कॉस्टिंग मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। कॉस्टिंग में ये सारी चीज़ें, सारा इंटीरियर वर्क, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। सो फॉयर एरिया से जैसे ही आप आगे आते हैं, आपको राइट साइड पर यहाँ पर लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर सोफ़ा है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है इस अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। सो गाइस, ये आपके लिविंग एरिया की अटैच्ड बालकनी है। यहाँ पर आप देखें तो ओनर ने काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही साथ आप सामने का व्यू भी देखें तो आपको ग्रीन एरिया का यहाँ से व्यू मिल जाता है। रेलिंग हाइट आपकी प्रॉपर है, प्लस बालकनी का स्पेस भी आपका सफिशेंट है। साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये आपका टीवी पैनल रहेगा, जिसमें टीवी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। टीवी पैनल आपका कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हो रखा है। साथ ही साथ थ्रू आउट दी अपार्टमेंट आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग भी मिल जाती है, सीलिंग लाइट्स के साथ। सिंस इट इज़ अ 3+ सर्वेंट अपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपको एक सर्वेंट रूम मिल जाता है, जिसको ओनर ने एज अ पूजा रूम डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इसको अंदर से देख सकते हैं, फिलहाल इसे पूजा रूम की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। बट आप जब इसको लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करा सकते हैं। चाहे तो आप इसे लाइब्रेरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम, स्टोर रूम, या फिर सर्वेंट रूम। द चॉइस इज़ योर्स। एंड हम आगे आएँ तो ये देखिए, ये पूरा स्पेस आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया का। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 6 सीटर यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई हुई है। काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर अभी भी बच जाता है। मूवमेंट का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर भी आप फॉल सीलिंग चेक कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ रहेगी। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगी आपकी मॉड्यूलर किचन। किचन आपको सारे अप्लायंसेस के साथ, सारा फर्नीचर, सारे वुडन वर्क कंप्लीट के साथ आपको ये मिलेगी। यहाँ पर आपका चिमनी एंड हॉब रहेगा।
इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर ये आपका ये पूरा ड्राई एरिया हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको वेट एरिया वॉशिंग एरिया यहाँ पर अलग से मिल जाता है जो कि आपका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको दो किचन मिल जाती हैं, एक रहेगी वो आपका पूरा ड्राई एरिया के साथ एंड ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया, तो इसको आप एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। प्लस किचन भी आप देख चुके हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको साइज़ के साथ किचन मिल जाती है। सो गाइज़ हम लिविंग डाइनिंग किचन एंड पूजा रूम देख चुके हैं, बाकी इस तरफ आ जाते हैं आपके तीन बेडरूम्स। तो सबसे पहले हम ये वाला बेडरूम चेक करते हैं एंड दिस इज़ योर बेडरूम नंबर वन, जिसे कि ओनर ने एज अ किड्स बेडरूम डिज़ाइन करवाया हुआ है। ये उनके बच्चों का रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिंगल बेड ईजिली फिट हो रखे हैं। यहाँ पर स्टडी एरिया है बच्चों का जिसमें सारी उनकी बुक्स वगैरह हैं, ऊपर आपकी एसी इंक्लूडेड रहेगी, फैंस आपके लगे हुए हैं प्रॉपर, सीलिंग लाइट्स आपकी प्रॉपर यहाँ पर हैं। प्लस आप ये देखिए वॉलपेपर्स भी आपको यहाँ पर लगे हुए मिल रहे हैं साथ में। एंड यहाँ पर रहेगा आपका वार्डरोब एरिया जिसमें कि आपको वार्डरोब्स फिट करके दी जा रही है, फुल वॉल लेंथ आपकी यहाँ पर वार्डरोब्स रहेंगी। साथ ही साथ इस बेडरूम के साथ आपको एक वॉशरूम भी मिल जाती है जो कि आपकी कॉमन वॉशरूम रहेगी, इसे आप बेडरूम के साथ प्लस लिविंग एरिया के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर गाइज इसी पैसेज के आगे इसके एंड पर रहेंगे आपके रिमेनिंग टू बेडरूम्स एंड यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर टू। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस साइज में मिल जाता है, साइजेस तीनों ही बेडरूम्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपका बेड इंक्लूडेड रहेगा, किंग साइज आपको यहाँ पर बेड मिल जाता है, ऊपर आपकी एसी रहेगी एंड यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बालकनी का एक्सेस भी मिल जाता है, जिसके बिल्कुल नेक्स्ट आपका रहेगा ड्रेसिंग एरिया। ये आपका टीवी पैनल रहेगा जिसमें कि टीवी आपकी फिटेड रहेगी, पीछे रहेगा आपका वार्डरोब, ये आपको फुल वॉल लेंथ यहाँ पर वार्डरोब भी मिल जाता है। साथ ही साथ इस बेडरूम में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाती है, इसको हम चेक कर लेते हैं। सो गाइस वॉशरूम में आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स कंप्लीट मिल रही हैं, यहाँ पर आपको गीजर मिल रहा है, ये पूरा वैनिटी एरिया आपको डिज़ाइन करके कंप्लीट मिलेगा। एंड इसी बेडरूम के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा हमारा थर्ड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट, ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छा इंटीरियर कराया हुआ है, इनफैक्ट पूरे अपार्टमेंट का ही इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप जब यहाँ पर आप शिफ्ट होंगे तो आपको इंटीरियर के ऊपर खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, कॉस्टिंग में ही आपको इंटीरियर करा हुआ मिलेगा। ये बेड आपका इंक्लूडेड रहेगा, सामने आपका रहेगा टीवी पैनल जिसमें कि आपको टीवी भी मिल रही है, साथ में आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने स्पेस बनाया हुआ है जिसमें कि इन्होंने अपने फैमिली के फ़ोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं, तो आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ बालकनी का एक्सेस भी मिल जाता है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ में यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाती है। बालकनी से आप सामने का व्यू देखिए तो आपको पार्क फेसिंग ये अपार्टमेंट मिल रहा है, सामने ही आपका पार्क है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीन व्यू आपको आपकी बालकनी से मिल जाता है। प्लस गाइज आप यहाँ की फ्लोरिंग भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइलिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको वुडन टाइलिंग मिल जाती है फ्लोरिंग में, पीछे वॉल पर आपका कोल्टिंग वर्क रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब एरिया भी मिल जाता है, ये वार्डरोब भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी, सीलिंग फैंस आपको मिल रहे हैं, सीलिंग लाइट्स आपको मिल रही है, फुल फॉल सीलिंग आपकी कंप्लीट रहेगी। साथ ही साथ इस बेडरूम में भी आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाती है, वॉशरूम का आप साइज़ चेक कर सकते हैं, काफ़ी ग्रैंड आपको यहाँ पर वॉशरूम मिल रही है, सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी इंक्लूडेड रहेंगी, गीज़र आपको मिल रहा है, पीछे आप देखिए यहाँ पर आपको इस वॉशरूम में बाथ टब भी मिल जाता है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आज जो प्रोजेक्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे उसका नाम था ईडन गार्डन, जो कि मनचंदा एंड मनचंदा बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी रिनाउंड सोसाइटी है ये, यहाँ की 7 एकड़ की सोसाइटी रहेगी जिसमें कि आपके 7 टावर हैं एंड यहाँ पर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं, 2 BHKs हैं, 3 BHKs हैं, 4 BHKs हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेंट हाउस के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। 80% आपका, जैसे कि शुरू में भी बताया था कि यहाँ पर आपको ओपन कम ग्रीन एरियाज़ मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको सारी अमेनिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ पर क्लब हाउस आपका रहेगा, पार्क एरिया रहेंगे आपके यहाँ पर, प्लस शॉपिंग एरियाज़ भी आपके नज़दीक हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसके अलावा बच्चों के लिए किड्स प्ले एरियाज़ रहेंगे एंड बड़े बच्चों के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरियाज़ भी रहेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह फ्लैट? मात्र 1,10,00,000 रुपए के अंदर आपको ये फुली फर्निश्ड रेडी टू मूव फ्लैट मिल रहा है, आप अपने कपड़े लेके आइए और आज ही शिफ्ट हो जाइए।
इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल दी एंड। दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं एंड आपके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्लॉट हो या फिर इंडिपेंडेंट घर, एंड आप उसकी ऐसे ही प्रोफेशनल एक वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्लिक ऑन रियलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए।